अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैसल वखार है और मैं CEO सिटी प्रॉपर्टी से हूँ और रिसेटर एसोसिएशन का वाइस चेयरमैन हूँ। और सेकंडली मैंने अभी ज्वाइन किया है किंग्स ग्रुप को एज अ सेल्स डायरेक्टर। और अभी हम कराची वालों के लिए एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं किंग्स ASF टावर के नाम से, जो सिर्फ मंथली इंस्टॉलमेंट बेसिस पर है, जो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज है जो हजरात रेंट पर रहते हैं या जिन जो हजरात सेविंग नहीं कर पाते, तो वो मंथली बेसिस पर हमें इंस्टॉलमेंट देकर अपना घर कर सकते हैं। ना इस पर बुकिंग प्राइस बुकिंग की कोई पेमेंट है, ना कोई क्वार्टरली है, ना हाफ क्वार्टर है, ना ईयरली है। सिर्फ इजी इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट करते हुए अपना घर कर लें और बैलेंस पेमेंट 50% एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन दे दें। और अगर वो पेमेंट भी अगर उनके पास नहीं अरेंज हो सकेगी तो उसको हम फाइनेंस की तरफ ले जाएंगे। तो कोशिश हमारी यही है, जो रेंटर हजरात हैं या जिनके पास सेविंग कम है या जो अपना घर कराची में नहीं कर पा रहे, तो उनका घर बनाने का एक सहूलत दे रहे हैं। इस सहूलत के साथ साथ इधर हमने एमिटीज एरिया भी रखा हुआ है। ये फ्लैट्स जो बन रहे हैं इसमें एक पूरा एक समझिए छोटा शहर बनने जा रहा है, जिधर आपके बैंक्वेट हॉल होंगे, स्कूल होंगे, प्लेग्राउंड है, पार्क है, कॉफ़ी शॉप्स हैं और अपनी इसकी सोसाइटी की सुपरमार्केट अपनी होगी। और सेकंडली इसमें लाइफ टाइम मेंटेनेंस बिल्डर के पास रहेगी, और जब तक ये बिल्डर के पास मेंटेनेंस रहेगी तो ये प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुल रहेगा। और वहाँ पर जो लोगों की प्रॉपर्टी होगी जो इजी इंस्टॉलमेंट पर लेंगे वो भी इंक्रीज करेगी इंशाल्लाह। स्कीम 33 का ये अपना एक यूनिक प्रोजेक्ट है, बल्कि स्कीम 33 के अलावा भी कराची का यूनिक प्रोजेक्ट कहलाएगा, जिसके अंदर हम लोगों ने ड्राइवर हजरात जो फ्लैट के साथ जिस मालिकान उनके ड्राइवर होंगे उनके लिए 1400 बेड का इंतज़ाम किया है, जो अंडरग्राउंड बेसमेंट पर होंगे। और जो गेस्ट रूम होगा, कॉफी और वेटिंग एरिया है, कॉन्फ्रेंस रूम है, वर्क फ्रॉम होम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया जा रहा है, इंटरनेट की सहूलत के लिए, बच्चों के लिए होम ट्यूशन सर्विसेज, जो ट्यूटर आते हैं जो घरों में जगह नहीं होती बैठाने की, उसके लिए एक हम हॉल बना रहे हैं जिधर वो ट्यूटर आएगा और बच्चे भी वहीं आएंगे और पढ़ेंगे, और उसका टीवी CCTV एक्सेस हर फ्लैट में मौजूद होगा। तो कोशिश हमारी यही है कि कम से कम बजट में उनको एक सहूलत दे दें। और ये आसान इंस्टॉलमेंट पर इसलिए बन गया कि हमने अपना प्रॉफिट मार्जिन लोगों में कस्टमाइज कर दिया है, तो जो चीज़ सबसे सस्ती हो सकती थी उसके ऊपर हमने करते हुए एक सुनहरी मौका दिया है कराची वालों के लिए कि वो अपना घर कर लें, ना कि उम्र भर किराया भरते रहो, घर ना हो सके उनका। शुक्रिया। और इजी टीवी के अभी मैं थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने हमें अप्रोच किया और उनको मैंने ये डिटेल बताई। तो मैं आपके तवज्जो से कहता हूँ कि तमाम कराची वालों को, सुनने वालों को, पाकिस्तान में जाओ जो किराए पर रह रहे हैं, जो अपना घर कर नहीं पा रहे, उनको घर करने का आखिरी मौका है, जो हमारे आसानी सहूलत को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू।